बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली कुकिंग तड़का में। आज हम बनाएंगे पालक और दाल से बनने वाला टेस्टी साग, जिसके लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम पालक लिया है। इसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद रफली चॉप कर लिया है और यहाँ पे हमने 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए हम इनकी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं। हाफ टी स्पून के करीब हमने यहाँ पे नमक लिया है और ये हमने 2 स्पून यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है और यहाँ पे हमने ये एक कटोरी में थोड़ी कम काली छिलके वाली दाल ली है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पालक में ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च। दाल को हम अच्छे से वॉश करने के बाद तब ऐड करेंगे। दाल अब हम यहाँ पे 1 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है, हाफ गिलास पानी हम और ऐड करेंगे। 1.5 गिलास पानी हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से कुक करेंगे जब तक पालक और दाल अच्छे से गल के मैश ना हो जाएं, तब तक हमने इसे कुक करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दाल और पालक अच्छे से गल चुका है। हमें तकरीबन यहाँ 3 गिलास पानी लगा है इसको अच्छे से कुक करने के लिए। हमने 1.5 गिलास पानी बाद में ऐड किया था। अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी की मदद से और फिर हम इसका तड़का रेडी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तड़का रेडी किया है। 6 से 7 कलियाँ हमने यहाँ पे लहसुन की ली हैं जो हमने बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। मीडियम साइज़ का एक प्याज हमने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिए हैं जिसे हमने बारीक पीसेस में कट कर लिया है और साग भी हमने पीस के रेडी कर लिया है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में 100 से 150 ग्राम ऑयल हमने लिया है जो गर्म हो चुका है। हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम यहाँ पर ऑनियन ऐड करेंगे। पहले हमने यहाँ पर गार्लिक ऐड किया है, अब हम ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करके, हमने क्योंकि साग में पहले नमक डाल दिया था, टेस्ट करने के बाद ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगता है तो। मैं थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड करूँगी। टमाटर गलने तक हम तड़के को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली और टेस्टी आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करिएगा। हमने हरी मिर्च जो इसमें ऐड की थी वो ज़्यादा तीखी नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे रेड चिली ऐड की है। इससे अच्छा सा कलर आए इसलिए हमने रेड चिली थोड़ी ऐड की है। टमाटर अच्छे से गलने के बाद आप देख सकते हैं साग हमारा रेडी हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक
इसको पकने देंगे। साग 1 से 2 मिनट तक के लिए पक चुका है, अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, साग हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, हमने इसे आपको सर्व करके दिखाया है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, आप राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। हमारी इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल डेली कुकिंग तड़का को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।